हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं प्रवेश पाटीदार, मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा आयोजित 2018 की एमपी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में 12वीं रैंक के साथ सक्सेस हुआ था। फिलहाल मैं फॉरेस्ट ट्रेनिंग में हूं। आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत इंतजार के बाद एमपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ आपको ऑल द बेस्ट भी बोलना चाहूंगा कि आप सभी सक्सेस को पाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन देखते हैं तुरंत एक्साइट हो जाते हैं और अगले ही क्षण एक्साइटमेंट एक तरफ और घबराहट शुरू। क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा था और इन सब चीजों से मेरा भी वास्ता पड़ा है। बट कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे इन चीजों को कॉप अप किया जाए, उसके बारे में मैं बस थोड़ी सी आपको बात बताना चाहूंगा कि हमें कामली पेशेंटली इस सिचुएशन को हैंडल करना है। एक्साइटमेंट ठीक है, बट ओवर एक्साइटमेंट, तनाव, चिंता, टेंशन या होगा कि नहीं होगा, इन सब को साइड में रखना होगा। क्योंकि होगा कि नहीं होगा ये तो आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा, लेकिन अगर आप पूरे टाइम ये सोचते रहेंगे तो ये आपको उलझा के रख देगा। जैसा कि 14 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस लिहाज से 12 जनवरी तक सभी लोगों को लगभग 60 दिन का टाइम मिलेगा। और मैं कहूंगा कि एमबीपीएससी ने बहुत सफिशियंट टाइम दिया है प्री की तैयारी के लिए, इट्स मोर देन इनफ। और इस समय में आप पूरे सिलेबस को दो बार रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी दो महीने में एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता है, तो बेहतर है कि हम फोकस करें अपने पुराने ज्ञान को इकट्ठा करने की। जैसा आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री में हमें लगभग 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। मोटे तौर पे मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, कंप्यूटर, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, स्पोर्ट्स और मोर इम्पोर्टेंट एक्ट्स। इन 10 सब्जेक्ट्स को आपको उनके वेट के हिसाब से, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग दिन बांट लेना है। और इस तरह से आपको बांटना है कि उन 60 दिनों में आप दो बार पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सके। उसके लिए जो आपने अपनी पढ़ाई के दौरान नोट्स तैयार किए हैं उनका सहारा ले सकते हैं। अगर कुछ लोगों ने जो नोट्स नहीं बनाए हैं तो उसके लिए सत्यादि शर्मा क्लासेस की एमबीपीएससी बुलेटिन जो पीएससी के लिए निकलती है हर साल, वो ले सकते हैं। और आपको जो भी कंफर्टेबल हो, लेकिन कोशिश करें कि ये सब दो बार फिनिश हो जाए और पुरानी किताबों का सहारा लेना छोड़ दें। किताबों का मतलब खुल्लड़, एम लक्ष्मीकांत, इनके चक्कर में ना रहें। हाँ, अगर आप चाहें तो लास्ट के एक वीक आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, नॉट अभी से। अभी से लूसेंट पढ़ेंगे तो डाउट है ना, लास्ट का एक वीक आप लूसेंट को दे सकते हैं। मैं कहूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए आप जो प्रतियोगिता दर्पण की साल भर की जो वार्षिकी या ईयरली बुक आती है उसे परचेस कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली निकल चुकी होगी, तो उसमें अक्टूबर तक का हमें करंट अफेयर्स मिल जाएगा और जो काफी होगा पूरे साल के लिए। 2018 के करंट अफेयर्स पे ना जाएं, केवल आप 2019 के करंट अफेयर्स पे फोकस करें। और काफी अच्छे इस साल मुद्दे रहे हैं, खास करके इकोनॉमी, बैंकिंग और इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा आप मोर पॉजिटिवली देख लें। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एमपीपीएससी का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। बहुत सारे लोग लास्ट ईयर के पेपर्स देख के अपने आप से ही पैटर्न बना लेते हैं कि लास्ट ईयर 17 क्वेश्चन एक्ट से आए थे तो एक्ट में घुस जाना है, लास्ट ईयर एमपी से अच्छे क्वेश्चन आए थे तो एमपी में घुस जाना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का वेटेज कम था तो इनको कम पढ़ेंगे। तो ऐसी भूल बिल्कुल ना कर दें। जो पूरे 10 सब्जेक्ट्स हैं उनको बराबर ईमानदारी से पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम, खास करके लोक सेवा आयोग के लेवल पर, एक निश्चित पैटर्न नहीं हो सकता। पैटर्न चलता है बस 12वीं तक, उसके बाद अगर आप कहें कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी वही पैटर्न आपको मिले तो ये थोड़ी मुश्किल चीज है। तो आप ये पैटर्न वैटर्न के चक्कर में ना रहें, ये जस्ट भुलावा हो सकता है। कोशिश करें कि आप सभी सब्जेक्ट को ईमानदारी से पढ़ के पूरा करें।
है ना, कमजोर सब्जेक्ट हैं उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। और मैं कहूंगा वैसे एमबीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए कमजोर कुछ नहीं होता है, बस कुछ चीजें टच में ज्यादा होती है इंटरेस्ट के कारण, कुछ चीजें कम होती है। तो अब टाइम है कि अपने आप को एक बार फिर एनालाइज करें और सभी सब्जेक्ट को ईमानदारी पूर्वक करें। रेगुलर 8 से 10 घंटे की स्टडी मोर देन सफिशियंट है। 6 से 7 घंटे की नींद लेना भी ना भूलें, क्योंकि अगर सोएंगे नहीं तो दिमाग आराम नहीं लेगा। बस अच्छे से खाएं पिए, अच्छे से नींद लें और अच्छे से पढ़ाई करें। टेंशन होगा नहीं होगा आपको एक तरफ रख के सोचें, बाकी जुट जाएं, क्योंकि टाइम है आपकी तैयारी को बस धार देने का। ये मान लें कि आपके पास अस्त्र शस्त्र तैयार है, तलवार आपके हाथ में है, बस उस तलवार को आपको धार देना है। और बस यही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट, आपको अपने प्रयास में सफलता मिले, और इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा।